बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा अब नजदीक है। कोलकाता के सबसे व्यस्त मूर्ति निर्माण केंद्र कुमार तुली के कारीगर मूर्तियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। हालांकि इन कारीगरों के लिए मां दुर्गा की मूर्तियों को बनाना अब आसान काम नहीं रह गया है। राज्य के भीतर लगातार बारिश ने इन मूर्तिकारों की रफ्तार को धीमा कर दिया। दो दिन पहले तो बारिश था, आज पूरा डैमेज हो गया। जो बाहर में जो हमारे जो प्रतिमा है, जो प्लास्टिक, वो जो पानी है प्लास्टिक फट जाता है, वो पानी अंदर घुस जाते, जो ठाकुर है उसको हाथ मुंह सब भीज गया, डैमेज हो गया। त्योहार में अब 10 दिन से भी कम वक्त बचा है, ऐसे में ये कारीगर ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुर्गा पूजा आयोजकों की मांग के मुताबिक माँ दुर्गा की कई प्रतिमाओं को विशेष तौर से गोल्डन रंग से रंगा जा रहा है। ना ऐसा फाइबर नहीं हुआ है, वाटर कलर है, वाटर कलर और जो दूषण मुक्त है, पॉल्यूशन फ्री, से ये ठाकुर में जो है, ठाकुर में जो कलर है वो लेड फ्री जो कलर है वही हम लोग इसमें पेंट किया था। दुकानदार मूर्तियों को ले जाने के लिए पैक कर रहे हैं, वहीं त्योहार की खरीदारी करने के लिए गलियों में लोगों की भीड़ उमड़ती है। कारीगरों को उम्मीद है कि कुछ अस्थिरता के बावजूद इस साल की दुर्गा पूजा पिछले 2 साल की तुलना में ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। ऐसी कई खबरों के अपडेट पाने के लिए नवभारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।